ब्रिटिश पासपोर्ट, ये बैंक में जी पड़ गई है पुलिस। पाकिस्तानी 350 रुपए के सिर्फ ये मिलते हैं। मैं भी बड़े सरफे से यूज कर रही हूँ, पहले मैंने काट काट के फेंके हैं। ये है जी सुबह सुबह 6 बजे की मॉर्निंग। अभी अभी इसके फादर गए हैं जी ऑफिस, और जॉब पे निकलने वाले जा रहे हैं। हम लोग सोने चले मुसा, आपके पिजन भी उड़ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। इस वक्त सुबह के बज चुके हैं जी पूरे 6। मुसा, पिजन तो आपके घर के सामने आ गए। मुसा आ जाओ, जॉब पे निकलने वाले जी जॉब पे जा रहे हैं। मैं आई हूँ यार सुबह सुबह इसलिए कि यहाँ पे मुझे पोस्ट करना था एक लेटर, वो इसलिए कि हमारे आते हैं एनवेलप यहाँ पर, और फिर यहाँ से शिफ्ट होके इस बास्केट में चले जाते हैं। यहाँ मूसा का आ रहा है जी आज वीज़ा पासपोर्ट, यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट, वो कल यहाँ पर आया है लेकिन मिस हो गया क्योंकि मैं सो रही थी, और वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको हैंड ओवर ख़ुद करना पड़ता है सिग्नेचर करके, अदरवाइज़ हमारे सारे ही एनवेलप नहीं आ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब मुझे ख़ुद जागना भी पड़ेगा, और मैंने यहाँ मैसेज भी डिस्प्ले कर दी है कि कॉन्टेक्ट करें या मेरा फ्लैट नॉक करें। तो कहाँ गया वो मूसा, आ जाओ आपको वो दिखाऊँ पिजन। चलें जी, मशीन को खाली नहीं जाने देते, इसमें डालते हैं जी अपने कपड़े। मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। और मैंने अपना रिसीव कर लिया है जी पार्सल, और मैं इनसे लेने लगी हूँ, ट्रैकिंग कर रहे हैं वो। तो मैंने साइन किए हैं और ले लिया है जी अपना। या मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। खुशियाँ खुशियाँ, आई तो बहुत खुशी हो रही है। आपका पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, ये। और माशाल्लाह से मेरे हाथ में आ चुका है मूसा का ब्रिटिश पासपोर्ट, और मूसा अब यहाँ का हो चुका है जी नेशनल। तो अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि मूसा कॉन्ग्रेचुलेशन। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट तो हो गया रिसीव, और अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हर दिन ही मेरा नया ही मेन्यू होता है, और ये मैंने बन उठाए हैं रात को, जो चिकन पीस आपको दिखाए थे उसमें से ये कुछ बचा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं अपने बन में यही ऐड करूं, और साथ में ये ऐड करने लगी हूँ उसके चिली गार्लिक सॉस। वैसे सिंपल गार्लिक सॉस है, मैंने रात इसमें चिली भी ऐड की थी, और जब तक मेरी चाय को बॉयल आ रहा। इस वक्त हो चुके हैं जी 12 दोपहर के, और बाहर सही तेज़ धूप है, तो हम अपने कपड़े ज़रा मशीन से निकाल लें और इन्हें जाके तार पर डाल आते हैं। चलें जी, अभी कपड़े डालते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर कोई पर्सन आया है, कुरियर आया है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओह यस, अली हसन के नाम पे है, एक और भी है। ओके, हम चेक करते हैं। नहीं, एक्चुअली हर दिन ही कोई ना कोई आते ही रहते हैं पार्सल को ऐसे। चलो चेक करते हैं इसमें क्या है। ओनर साहब को बोल भी चुकी हूँ कि मेरे कद जितना घास बड़ा हो गया, और अब तो मैं तार तक भी नहीं जा सकती, तो काइंडली इसको तो कटवा दें, पूरा एक हफ्ता हो गया। और वो कहते हैं जी अभी कर देता हूँ। मैंने भी स्टैंड निकाल लिए हैं जो यहाँ के हैं, तो उनके ऊपर ही कपड़े शपड़े डाल दिए हैं पुट्ठे सीधे। चलो शॉवर लेते हैं और फिर जाते हैं, मुझे एक बाहर काम है,
अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो भी खुलवाती हूँ, और फिर बताती हूँ क्या करते हैं। मैं खाती हूँ जी चेरीज और उसके बाद तैयारी करते हैं पार्क जाने की। निकल चुके हैं जी हम लोग घर से रेडी होके, और अब हम जा रहे हैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाने। ये है जी बैंक, पहले मैं यहाँ से गुजर लूँ जहाँ से मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। इतनी लंबी लाइन लगी है। कोई बंदा तो छोड़ दिया करो बात करने से। करीब पहुंच गए। बैंक में जी पड़ गई है पुलिस, क्योंकि कोई बंदा वहाँ पे पैसों की बदतमीजी कर रहा था और मेरा तो अकाउंट खुला नहीं। लेकिन बच्चों को हम लेके आ चुके हैं जी पार्क, और ये है जी आज भी पार्क का माहौल। अपनी फेवरेट जगह पे बैठी है। मूसा ये क्या कर रहे हो? मूसा बुरी बात। चुप हो गए। चलो भी लड़ाई लड़ाई माफ करो, अंग्रेजों के घास साफ कर। मूसा आपको कुछ और नहीं मिल रहा, कानून के साथ ही जवाब देना होता है। ये देखें जी दोनों फ्रेंड्स पिजन के पीछे पीछे हैं। ले भाई चीनी ग्रुप के पास पहुंच गया मूसा। इतने स्वीट लोग हैं ना, बच्चों से इतना प्यार करते हैं, और मूसा तो खुद जाके इनसे प्यार ले रहा होता है। वो पूछ रही है कि ये दोनों ट्विन्स तो नहीं है ये फ्रेंड्स। अब हफ्ता उन्हें बता तो रही है। कपड़े जी बाहर गिर गुर गए हैं, इतनी तेज हवा चल रही थी। और मेरी शाम की चाय हो चुकी है तैयार। और सच में आपको ये तो बताना ही भूल गई कि मैं आज क्या बना रही थी। दरअसल मैं आज बना रही हूँ आलू और कीमा। कीमा यहाँ पे फ्राई हो रहा है, फ्राई क्यों हो रहा है, भुनाई हो रही है। अभी सारे डाल रही हूँ और फिर डालूंगी उसमें आलू काट दिए और ऐड कर दूंगी। आपको एक बात बताऊं, ये जो आप धनिया देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो हर सब्जी के साथ हमें मुफ्त में मिल जाता था, यहाँ पे एक वो जो बंडल या गड्डी जो भी बोलते हैं, एक पाउंड की, मतलब पाकिस्तानी 350 रुपए के सिर्फ ये मिलते हैं। मैं भी अब बड़े सरफे से यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने काट काट के फेंके हैं, और जब मुझे अब हर प्राइसेस का पता चल गया, अब ज़रा मैंने भी हाथ हो। मज़ेदार सा डिनर करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं बाहर वॉक के लिए एज़ यूजुअल।
और वीकेंड आ चुका है और हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। आप सूरज को देखिए, इस टाइम हो चुका है 8:30 बजे का टाइम और सूरज देखें यहाँ पे। ओ शुक्र मुझे डंडा नहीं लगा, बच गई। तो देखते हैं कि व्लॉग यहीं पे एंड करना है या आपको वॉक साथ साथ चलाते हैं। कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं और ये देखें घर भी। माशाल्लाह इसकी एक्साइटमेंट चेक करो, माशाल्लाह। चोरी करनी।